रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। केरल में एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन अलग हुआ, बिना बोगियों के दौड़ी ट्रेन, रेलवे कर्मियों ने हालत पर पा लिया काबू। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की 12 पन्ने की दूसरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं की आकृति मिलने का दावा। पूजा सिंघल मामले में चौंकाने वाला खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन आया सामने, खनन विभाग के बड़े अधिकारियों तक पैसा पहुंचाता था। हरियाणा के झज्जर में बड़ा हादसा, फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचला, 3 की मौत, 11 लोग घायल। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरा रिवलन को रिहा करने को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 9 लोगों की मौत, 27 जिले के 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। प्रयागराज में गंगा नदी किनारे कोरोना काल जैसे हालत, रेत में बड़ी तादाद में दफनाए जा रहे हैं शव। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। युवा शिविर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज हम नए भारत के निर्माण के लिए ले रहे सामूहिक संकल्प। मोदी सरकार की अमृत सरोवर योजना से पेयजल संकट और सूखे की समस्या होगी दूर, उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का किया गया उद्घाटन। उत्तर भारत में भीषण गर्मी तो दक्षिण भारत में भारी बारिश का कहर, केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सीएम पिनाराई विजयन पर अभद्र टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता ने सुधाकरन के खिलाफ केस दर्ज किया। सिसोदिया ने की विश्वविद्यालयों की रिसर्च परियोजनाओं की समीक्षा, कहा समाज को इनोवेटिव रिसर्च की जरूरत। ज्ञानवापी के बाद अब देश की विवादित मस्जिदों की पैरवी खुद करेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बनाई लीगल कमेटी। धर्म के प्रतीक मिलने के संकेत, मुस्लिम पक्ष प्रशासन से नहीं मिला सहयोग, पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कहा देवी देवताओं के साथ ही शेषनाग की कलाकृति मौजूद, ऐसे शिलापट जिन पर कमल की आकृति साफ देखी जा सकती है। देश में तस्करी करके 23 किलो सोना लाया था इत्र कारोबारी, 17 पन्नों में कई अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में अब संभव होगा शिकायतों का समाधान, ऊर्जा और नगर विकास विभाग की शिकायतें एक ही पोर्टल से होंगी दूर। लखनऊ में जयमाला के बाद ऐसा हुआ तमाशा कि लौट गया दूल्हा, दुल्हन ने लगाई फांसी, ग्रामीणों के मुताबिक लड़की के घर वालों ने काफी भला बुरा कहा था।
मेरठ के गंगानगर थाने में दरोगा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा, पिस्टल के बल पर की वारदात। अखिलेश यादव पर कैबिनेट मंत्री नंदी ने कसा तंज, आजमगढ़ जनता को फिर ठगने की तैयारी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ सरकार, अब ऑनलाइन मिलेगी सभी प्रमुख मंदिरों की जानकारी। भाजपा सरकार को सदन में घेरेगी सपा, अखिलेश यादव ने रणनीति बनाने के लिए केस को बुलाया विधानमंडल दल की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा ज्ञानवापी मामले में सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचे मुसलमान। खेत की सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकेगी सेंसर आधारित डिवाइस, पहले ही बता देगी मिट्टी का नमी। यूपी में शिक्षकों के 16,000 बेटे बेटियों को नियमित पद नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद में लगातार हो रही टालमटोल। क्रांतिकारियों की गाथा गा रहा जेल संग्रहालय, देख सकते हैं 60 से 70 किलो की बेड़िया और हथकड़ियां। लखनऊ में चार बाग पर न लगे जाम, डीएम अभिषेक प्रकाश ने 7 सदस्यीय टीम को अतिक्रमण हटाने की दी जिम्मेदारी। पति पत्नी की गला रेत कर हत्या, घर में 7 किराएदार भी रहने हैं, घर में छुपे हथियारों की तलाश रही पुलिस। लखनऊ में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का नया वीडियो, तिरुपति बालाजी मंदिर के मठाधीश्वर की प्रतिक्रिया। आगरा में कंप्यूटर से भी तेज निकले परीक्षार्थी, यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा मामला, 4 परीक्षार्थी हुए गिरफ्तार। बिजनौर में ट्रैफिक पुलिस से उलझना, डॉक्टर को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, केस किया गया दर्ज। गाजियाबाद में 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, परिजनों ने लगाया न्याय की गुहार, पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। गाजियाबाद में मुरादनगर गंग नहर में सिपाही डूबा, एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी। गोरखपुर में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का गोरखपुर दौरा, एम्स गोरखपुर में की समीक्षा बैठक। लखीमपुर खीरी में रफ्तार ने बरपाया कहर, सड़क हादसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के भतीजे की मौत। जनता पर महंगाई का वार, फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 8 रुपए महंगे हो चुके हैं। मैनपुरी में पुलिसकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, आभूषण और रुपयों से भरा बैग मालिक को लौटाया। सिद्धार्थनगर में पुलिस की दबिश के दौरान महिला की मौत का मामला, मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। बदायूं में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, हटाई गई अवैध दुकानें, संबंधित व्यवसायी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में 75 करोड़ की 1,500 निवेशक परियोजनाओं की रखी जाएगी नींव, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। भाजपा सरकार को सदन में घेरेगी सपा, अखिलेश यादव ने रणनीति बनाने के लिए 21 को बुलाया विधानमंडल दल की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और खास पहल का, धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों को दे दे। देश के 112 आकांक्षात्मक जिलों में बलरामपुर पहले स्थान पर, शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के हैं 5 जनपद। अयोध्या के श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ान जल्द, रनवे के साथ मुख्य मार्ग का निर्माण भी शुरू। उत्तराखंड पुलिस के लिए 7 साल बाद हो रही भर्ती में नौजवानों ने खुलकर किया आवेदन, लेकिन पहुंचे केवल 7% अभ्यर्थी। यमुनोत्री हाईवे धसने से 5,000 से अधिक यात्री फंसे, ठंड के बीच किसी तरह बसों में ही कटी रात। देहरादून में खेतों में सिंचाई कर रहे किसान पर हमला कर गुलदार ने किया घायल, पिंजरा लगाने आए वन कर्मियों को भी दौड़ाया। पंचप्यारों की अगुवाई में रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, 23 मई को खुलेंगे कपाट। देहरादून में देर रात सड़क पार कर रही महिला को बचाने के चक्कर में प्राइवेट बस के 3 बाइकों को रौंदा, एक युवक हुआ घायल। भीषण गर्मी और उमस से राहत, अगले 24 घंटों में 5 पहाड़ी जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल ने पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में थे मुख्यमंत्री का चेहरा। चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा अव्यवस्था का राग अलाप, राज्य की छवि धूमिल कर रही कांग्रेस। चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर विफरे नेता प्रतिपक्ष आर एस सतपाल महाराज ने कहा यात्रा को थोड़ा धीमी करेगी सरकार। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी में रहेगी युवाओं की धमक, 3 से 4 महीने के भीतर आ जाएगी अस्तित्व। सीख दे रही है चारधाम यात्रा, देहरादून में सरकार को तैयारियों को और पुख्ता करने की जरूरत। भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ यह विदेशी जोड़ा पनामा से पहुंचा गंगोत्री धाम, हिंदू रीति रिवाज से किया विवाह। उत्तराखंड में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा, कई गांवों का संपर्क कटा, चीन सीमा पर सेना की आवाजाही बंद। उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच साइन हुआ एमओयू, मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद। गुरुवार को दूसरे दिन भी ऑफलाइन पंजीकरण बंद, ऑनलाइन की सुविधा जारी, केदारनाथ दर्शकों का स्लॉट हुआ बुक। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन, इंडो पैसिफिक मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा।
तालिबान ने अफगानिस्तान में यूएन सहायता मिशन की महिलाओं को हिजाब पहनने का दिया आदेश। नई सरकार आने के बाद भी नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले, आतंकवाद का ग्राफ फिर बढ़ा। स्टील फैक्ट्री से निकले 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर, रूस का मॉरियोपोल जीतने का दावा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किंगस्टन हाउस, सेंट विसेंट और ग्रेडाइंस पहुंचे, आगमन पर 21 तोपों की दी गई सलामी। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स का बढ़ा खतरा, वायरस ने अब अमेरिका में दी दस्तक, मंकी पॉक्स संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है। अमेरिका ने किया फैसला, क्यू में अमेरिकी दूतावास को फिर से खोला जाएगा, यूक्रेन के लोगों ने बहादुरी दिखाई। श्रीलंका में अभूतपूर्व संकट, समुद्र में खड़ा है पेट्रोल लदा जहाज, लेकिन भुगतान के लिए नहीं है पैसे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1100 अंकों से ज्यादा गिरा, अमेरिका शेयरों में आई तेजी से गिरावट। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर जताई चिंता, भारत ने मदद के लिए उठाए कदम। बाजार खुलते ही निवेशकों के लाख करोड़ हुए स्वाहा, सेंसेक्स में शामिल कंपनी फायदे में, अमेरिका बाजारों में 2020 के बाद बड़ी बिकावली हुई। डॉलर ने निकाला पाकिस्तानी रुपए का दम, बूस्टर डोज से भी गिरावट नहीं हो रही कम, पाकिस्तान सरकार मनमानी पर उतार। पेटीएम मॉल से बाहर हुई चीनी कंपनी, अलीबाबा इंटफिन के साथ कुल 43% हिस्सेदारी बेची, एक नियामक फाइलिंग में जानकारी दी गई। भारतीय रेलवे ने मरम्मत के काम के लिए कैंसिल की 2000 से ऊपर ट्रेनें, मुसीबत में पड़े यात्री। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1155 अंक टूटा, निफ्टी भी आया 16000 के नीचे, आईटीसी के शेयरों में तेजी। महंगाई भत्ते में एक साथ 14% बंपर हाइक, साथ में मिलेगा 10 महीने का मोटा एरियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं। अमेरिकी शेयर बाजार में मचा कोहराम, डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा, नैस्डेक 4% से ज्यादा टूटा। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, महंगे गैर जरूरी सामान के आयात पर रोक लगाई गई, जिनका इस्तेमाल आम आदमी नहीं करता है। सोना चांदी लगातार हो रहा सस्ता, खरीदने का प्लान है तो जल्दी से चेक करें 10 ग्राम का भाव। आईपीएल के 15वें सीजन में रफ्तार किंग उमरान मलिक, पहली बार टॉप 4 में, स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल नंबर 1 पर बरकरार। लखनऊ के खिलाफ कोलकाता की हार, लेकिन रिंकू ने खेली ऐसी पारी जिसे भूल नहीं पाएंगे फैंस।
तूफानी बल्लेबाजी से डिकॉक और राहुल ने बदल दिया आईपीएल इतिहास, पहली बार हुआ ये करिश्मा। हेट ओवर्स में धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों को खामोश करने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह और इरफान पठान ने जमकर की तारीफ। भीषण गर्मी की वजह से बिगड़े अंपायर की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अंपायरिंग छोड़कर मैदान से बाहर जाना पड़ा, खिलाड़ियों के लिए आया बड़ा झटका। मैच हारने के बाद भी दुखी नहीं थे कप्तान श्रेयस अय्यर, रिंकू की तारीफ की और मैकुलम को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को हराकर लखनऊ पहुंची प्लेऑफ में क्विंटन डी कॉका का नाबाद शतक। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम हुई टूर्नामेंट से बाहर, लखनऊ से हार कर प्लेऑफ की सारी उम्मीदें खत्म। साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में वीवीएस लक्ष्मण को मिल सकती है टीम इंडिया की कोचिंग की जिम्मेदारी। क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट के लिए मैथ्यू मॉड बने इंग्लैंड के नए हेड कोच, मैकुलम ने बनाया गया था टेस्ट कोच। टेलीग्राम समेत कई साइट्स पर लीक होने के बाद तय समय से दो दिन पहले रिलीज हुई पंचायत। एक्टर सिद्धार्थ ने बॉलीवुड पर मारा ताना, बोले हिंदी फिल्मों में दक्षिण भारतीयों को कार्टून की तरह दिखाते हैं। ब्लैक फ्लोरल गाउन में ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर लगाई आग, लोगों ने किया। डायनामाइट में धमाल मचाने के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लगी मशहूर सिंगर ध्वनि भानुशाली की तस्वीर, देश का बढ़ाया मान। कोर्ट का आया फैसला, बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडिस को नहीं मिली विदेश जाने की इजाजत। शलेश लोढ़ा के शो छोड़ने की खबरों के बीच वायरल हुआ ये पोस्ट, कहा सर प्लीज ये शो मत छोड़िए। एक्टर अनिल कपूर की एवेंजर्स एक्टर जेरेमी रेनर के साथ फोटो इंटरनेट पर वायरल, डिज्नी के प्रोजेक्ट के साथ आने की चर्चा। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का खुलासा, फिल्म हिट कराने के लिए स्टॉकर्स क्रिएट करवाते हैं कंट्रोवर्सी, मुझे भी ऐसा कहा गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक फिल्म के लिए लेते हैं करोड़ों की फीस, लंबे संघर्ष के बाद मिला बड़ा मुकाम। एक्ट्रेस कंगना रनौत वाराणसी पहुंचकर लगाए हर हर महादेव के नारे, यहां के कड़कड़ में शिव है। देश की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।